Hello friends, welcome back to the English lab. Let us continue our journey in English. First, tenses. In tenses, I have ready for you today the dose, the diet of tenses. We have future perfect continuous. इसमें कैसी बातें होती हैं जो काम काफ़ी समय से हो रहा होगा. विल या शैल के साथ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी. टाइम दिया हो तो सिंस या फॉर. एग्जाम्पल देखें, हम सुबह से पढ़ रहे होंगे. वी शैल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. माँ एक घंटे से खाना बना रही होगी. मदर विल हैव बीन कुकिंग फॉर एन आवर. मैं एक घंटे से बस की प्रतीक्षा कर रहा हूँ. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर. तुम काफ़ी देर से गा नहीं रहे होगे. यू विल नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम को लॉन्ग भी बोल देते हैं. क्या बच्चे शाम से खेल रहे होंगे. विल द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस ईवनिंग. हम सारा समय क्या करते रहे होंगे. वट शैल वी हैव बीन डूइंग ऑल द टाइम. अब आप सोचोगे कि ऐसी बातें कहाँ होती हैं, कौन बोलता है. ना कभी आपको शायद रीडिंग में पढ़ने में मिलेंगी किसी बुक में, ना ही शायद सुनने में भी कभी नहीं मिलेंगी. मैं आपको बहुत बता रहा हूँ कि शायद ही कहीं मिले. लेकिन फिर करते क्यों हैं, ये होते क्यों हैं, एग्जिस्ट क्यों करते हैं इंग्लिश में ग्रामर में. तो इसलिए कि इस तरह की बात कभी ज़रूरत पड़ जाए तो तब तो पता होना चाहिए. लेकिन आमतौर पर अगर नहीं भी पड़ती तब भी एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज करते हैं. क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी क्या होती है, अगर आप ये कर पाते हो तो उससे आपकी बाकी सब कुछ ईजी हो जाता है. इसलिए जैसे किसी गेम में कोई कोच आपको डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, तो इसको ऐसे करके करिए जरूर. डोंट लीव इट. सो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट. यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. दीज आर द आंसर्स ऑफ द प्रीवियस शीट, previous questions of past perfect continuous. So take a screenshot and match your answers with these to check your status, evaluate yourself, how you are doing. I hope you are doing well. Take a screenshot. So let us move on to the rest of the lesson. These are the words, gems in English. Words are like gems. So let us collect some more. The first word is souvenir. Souvenir hota hai token, nishani. This diary is a friend's souvenir. Ye diary mere ek dost ki nishani hai. This is next word is snug. Snug ka meaning hota hai cozy, comfortable. Your room is very snug. Ye hai smug, jiska meaning hota hai proud. She is a smug woman. Usher hota hai show in. Kisi ko ghar ke andar ya kamre ke andar leke aana. The maid ushered me into the house. This is virtue. Virtue होता है quality. He has many virtues. ये इंसान के लिए यूज होता है, चीज़ों के लिए नहीं. This is frisk. Frisk होता है सर्च करना, तलाशी लेना. The police frisked the building. पुलिस ने बिल्डिंग की सारी इमारत की तलाशी ली. Snare होता है trap. जो इसमें ऐसे करके जो कोई जानवर फंस जाता है ऐसे करके, तो उसको स्नेयर बोलते हैं. अ मंकी वॉज कॉट अप इन अ स्नेयर. दिस एडमेंट. एडमेंट होता है जो अड़ जाए किसी चीज़ को. बोलने में भी अड़ना और एडमेंट एक जैसे हैं, आपको इजी याद हो जाएगा इजीली. स्टबर्न. डोंट बी एडमेंट. जिद मत करो, अड़ो मत किसी बात पर. कर्डल होता है दूध को दही में जमाना, दही जमाना. मेक कर्ड. हैव यू कर्डल्ड द मिल्क. दिस इज एलमेंट. एलमेंट होती है कोई भी बीमारी, डिजीज या सिकनेस. ही हैज़ नो एलमेंट. उसे कोई बीमारी नहीं है. सो दीज वर द वर्ड्स. आई होप यू लाइक्ड देम. इफ यू डिड, नोट देम इनटू योर डायरी, ऐड देम एंड कलेक्ट योर ज्यूवल्स, जेम्स, टू बिकम रिच इन इंग्लिश. सो ऑल दिस वर्ड इनको यूज भी करते होंगे आप, आई होप. तो तभी आप इसको अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. कभी यूज़ काम में तभी आएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंजॉय, कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग. सी यू अगेन वेरी सून. बाय बाय.